दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हुआ T20 वर्ल्ड कप से बाहर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं क्या है पूरी खबर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों इंग्लैंड ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से अब बाहर हो चुके हैं। दोस्तों श्रीलंका कप्तान दासुन सनाका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उतरी बल्लेबाजी करने तो उनका शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा। दोस्तों पृथ्वी शंका ने 67 रनों की बेहतरीन पारी खेली और जबकि राज बख्शी ने 22 रन बनाए और दोस्तों श्रीलंका ने 20 ओवर में 141 रन बनाए और जबकि जीत के लिए 142 रनों की टारगेट दिया। अगर दोस्तों इंग्लैंड की गेंदबाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट मार्क वुड ने अपने नाम किए, जो कि 3 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों वहीं पे सैम करन आदिल राशिद ने 1-1 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों रनों के पीछा करने उतरी इंग्लैंड के बल्लेबाज जिनका शुरुआत बहुत ही अच्छा रहा और दोस्तों इंग्लैंड के दोनों ओपनर जॉस बटलर और एलेक्स हेल ने मिलकर बहुत ही अच्छा पारी खेली। दोस्तों उन्होंने 7 ओवर में 70 रन ठोक डाले, लेकिन दोस्तों एलेक्स हेल 47 रन बनाए और 28 रन जॉस बटलर अपने नाम किए। लेकिन दोस्तों उनके बाद इंग्लैंड के कोई बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाज के सामने टिक नहीं पाए और अपना विकेट लगातार गिराते गए। लेकिन तब दोस्तों बेन स्टोक ने बहुत ही उम्दा पारी खेली और अपने टीम को संभाला और उन्होंने 42 रनों की बेहतरीन पारी खेली। लेकिन दोस्तों लास्ट ओवर में 3 गेंदों में चाहिए थे 2 रन, जो कि क्रिस वक्स ने चौका मार के इंग्लैंड को अपनी झोली में मैच डाल दी, वो भी 4 विकेट से यह मैच जीत गया और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में यह 2 नंबर पे अंकित है और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो गए। दोस्तों वहीं पे अगर श्रीलंका गेंदबाज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विकेट वानिंदु हसरंगा, धनंजय डिसलिवा 2 विकेट अपने नाम किए और जबकि लाहिरू कुमारा ने भी अपने नाम 2 विकेट किए। लेकिन दोस्तों बुरी खबर यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों वह इतिहास नहीं बदल पाए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के देश में ही ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो रही है और दोस्तों ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि अपने ही देश में कभी भी T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता हो। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी? तो अपने कमेंट में जरूर दें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले।